दोस्तों हमारे यूपी बिहार और झारखंड में जब बच्चे अपने बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर लेते हैं, जब अपने बोर्ड परीक्षा को विद्यार्थी दे देते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना होता है कि हमें पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, हमें अपने स्टेट का टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना है। और पॉलिटेक्निक का क्रेज आपका इन तीनों स्टेट में इतना ज़्यादा है, इतना हाई लेवल पर आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का क्रेज है कि आप ये देखते होंगे कि जो भी स्टूडेंट आपका 10th पास करता है या फिर कोई स्टूडेंट अगर आपका 12th पास करता है, और इवन तो मैं कभी कभी ये भी देखता हूं कि बीए वाले भी स्टूडेंट आपके और बीएससी वाले स्टूडेंट भी आपके पॉलिटेक्निक करने की तरफ आते हैं। यानी कि आप जो है ये इतना ज्यादा क्रेज देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं उनमें आपके मैक्सिमम जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट होते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन जो विद्यार्थी देते हैं उनमें टोटल 85% अप्रॉक्स आप लोगों के विद्यार्थी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। यूपी में जितने लोग बोर्ड को देंगे उसके लगभग 80-85% आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। बिहार और झारखंड में भी कुछ यूं ही हाल है। तो आपका सपना अगर है दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं दोस्तों पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, इसके अलावा आज मैं जो सुपर ट्रिक बताने वाला हूं उस सुपर ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 10 दिन के अंदर आप कैसे जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 10 डेज में तैयारी आपकी होगी और कैसे तैयारी होगी मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले जरा सा आप हमारे इस बैच का बारे में जान लीजिए कि ये बैच आपका क्या कहता है, ठीक है। इस बैच का नाम है दोस्तों धुरंधर बैच 2023, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 से रिलेटेड दोस्तों ये बैच है। और इस बैच में आप अपना एडमिशन लेकर के अपने एंट्रेंस एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको मिलता है चैप्टर वाइज आपकी वीडियोज, स्मार्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपके तीनों जो सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपके तीनों सब्जेक्ट के आपके लाइव भी देखने को मिलते हैं। तो फिजिक्स प्लस में आपकी केमिस्ट्री और इसके अलावा आप लोगों का मैथमेटिक्स, आपको ये तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलती है। फीस आपका हमने मात्र 299 रुपए रखा है। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि यूपी बिहार और झारखंड के हमारे जितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर सके। इसलिए कॉल करिए इस नंबर पे और नंबर पे कॉल करके आप बैचेस से ज्वाइन हो जाइए, फटाफट कीजिए दोस्तों। 299 रुपए फीस है, पूरी कंप्लीट तैयारी है। अब आइए अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जाती है इसमें और कैसे आपको तैयारी करना है। वैसे तो दोस्तों बात करें अगर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तो पॉलिटेक्निक का जो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है भले हर आपके स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हों, लेकिन जो आपका बेस है, जो आधार है आपका, वो तीन सब्जेक्ट है। और वो तीन सब्जेक्ट में आपका पहला फिजिक्स आता है, दूसरा आप लोगों का आधार सब्जेक्ट केमिस्ट्री आता है, और तीसरा आप लोगों का आधार में आपका सब्जेक्ट मैथ आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही आप लोगों का टोटल पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अगर अभी तक आपने किताब कोई नहीं खरीदा है मत खरीदिए, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं आप लोगों के लिए किताब। और मेरी किताब जो नई वाली एडिक्शन है, बिल्कुल जो इस बार लॉन्च हुई अभी 5-6 दिन पहले जैसे लॉन्च हुई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की न्यू बुक, मैंने जो है उसको ऑर्डर कर लिया और आज या कल में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन आप लोगों के अब रैपिड फायर जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो नए वाले बुक से होंगे, है ना। नए वाले बुक मतलब 2023 की जो अभी जो 5-7 दिन पहले रिलीज हुई है उस बुक से मैं तैयारी कराऊंगा। इसके पहले चूंकि आपको मालूम है 4 साल से पांडेसी टेक्निकल पे आपकी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए मेरे पास 4 साल की किताबें हैं, सारे किताब से आपके क्वेश्चन आएंगे। और देखिए जो आपका लेवल रहेगा थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड लेवल लेकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अप लेकर के चलना पड़ेगा। अभी तक आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे हमारे चैनल पे, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि सर जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को कराते हैं, उतना हाई लेवल के क्वेश्चन को नहीं कराते। लेकिन अब जो है आपकी जो न्यू बुक आएगी आपकी, उसमें लेवल हार्ड के क्वेश्चन को कराया जाएगा। और लेवल हार्ड के क्वेश्चन अगर आपका तैयार हो जाता है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम वैसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि लेवल हार्ड तैयार है तो आसान तो आप आराम से तैयार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है।
अब बात आता है कि एक आता है दोस्तों आप लोग के मीडियम लेवल के क्वेश्चन और एक आपके आते हैं दोस्तों इजी लेवल के क्वेश्चन। मैक्सिमम जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये आपके साइंस के पोर्शन में होते हैं, अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन में होते हैं, जो कि आपके वन लाइनर टाइप के होंगे। जैसे न्यूटन किसका मात्रक है, तो फटाक से लगाते हैं सर बल का मात्रक है। इस तरीके के जो MCQs आते हैं जो वन लाइनर कहलाते हैं, मैं तो उसको वन लाइनर नाम देता हूं। तो वन लाइनर आपके इजी आएंगे, 20-30% आपके इजी आएंगे, बाकी मीडियम और आपका लेवल हार्ड रहेगा। हार्ड लेवल रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अगर ओवरऑल आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का लेवल हार्ड आ गया, उस समय आपकी कट ऑफ लो जाएगी, लो कट ऑफ पे हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, जैसे पिछली बार हमने 110 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन करवाया है। तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत तो मैं नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। बस बात यह है, बैच को ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को करिए। और अगर आप बैच को ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस कीजिए ना जो मैं पढ़ाता हूँ। और बैच अगर नहीं आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 4 घंटे की डेली आपको क्लासेस जो है आप लोगों को 4 घंटे आप लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, वो भी सेल्फ स्टडी से। इससे कम पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, समय कीमती है, सबके लिए 30-40 दिन का समय मिला है, उसी में आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करनी है अपने, इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, सब कुछ करना है, इसी में काउंसलिंग वगैरह भी होगा। तो ये मीडियम लेवल और इजी लेवल के क्वेश्चन को समझ लें, कट ऑफ का फंडा समझ लिए। पेपर आसान आएगा कट ऑफ हाई, पेपर हार्ड आएगा कट ऑफ लो, सोचने की बात ही नहीं है सर, इतना तो अच्छे से आप बता दिए। जब इतना अच्छे से मैंने बता दिया तो आप एक बात और समझ जाइए कि अगर आपने क्लास 9th के कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे बेसिक तैयार कर लिया, 10th का आपने अगर बेसिक तैयार कर लिया, ऑलरेडी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने तो वीडियो में बताया है। चैनल पे आप एक बार विजिट कीजिए, पांडे जी टेक्निकल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जमकर ठोकिएगा, वीडियो को लाइक, आपका टारगेट 1000 लाइक का हम रखते हैं इस वीडियो का। तो क्लास 9th और क्लास 10th दोस्तों जो है आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, इसके साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए। अब बचा मैथ, मैथ में देखिए साइंस का कॉन्सेप्ट तैयार करने में समय नहीं लगेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9th और 10th का आप आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात आता है मैथ का, मैथ में आप ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन को कंप्लीट करिए दोस्तों, आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट करिए दोस्तों, इसके अलावा आप सर्किल पे कंप्लीट करिए, इसके अलावा APGP आप कंप्लीट करिए, इसके अलावा आप ट्रायंगल कंप्लीट करिए, इसके अलावा आप लोग जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके अलावा आप हाइट एंड डिस्टेंस तैयार करिए, ट्रिग्नोमेट्री कह दिया इसका मतलब उसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, है ना, और एरिया आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। एरिया वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका आता है, मीन मीडियन मोड से आपके क्वेश्चन आते हैं, और 9 के पूरा बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक से हाई लेवल जाएगा लेकिन बेसिक के सही क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, इजी लेवल वाले, मीडियम लेवल वाले आपको 50-60% के क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। टारगेट कर रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की टारगेट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर टारगेट कर रहे हैं, चाहते हैं आप भी टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना, तो एटलीस्ट आपको इतना जरूर करना पड़ेगा, इतना कीजिए। और चैनल पे देखिए सिलेबस क्या है भाई, पांडे जी टेक्निकल 2.0 पांडे जी टेक्निकल, आपको सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या पढ़ना है साइंस में, मैथ में, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आपकी ऑलरेडी पांडे जी टेक्निकल चैनल पे पड़ी है। आप बैच को ज्वाइन कीजिए और इसके अलावा आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की डेली क्लासेस तो आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पे चली रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आई, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आपने ढेर सारा एंजॉय किया होगा। तो बने रहिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।